आप सम्मानित हुए हैं और जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं लगभग कितने दिनों का कार्यकाल है आपका? सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हो जाइए, अपना नाम, आपकी कंपनी का क्या नाम है और आप किस प्रकार के कारोबार में अपना फोकस कर रहे हैं? मेरा नाम कंपनी सरकार जी और ये मेरी मॉम है। पेपर का काम कर रहे हैं, पेपर मेकिंग है उसके और 400 साल से ये काम कर रहे हैं। तो उसके मुझे प्रोडक्ट पूरा ये जब वो लोकल फॉर वोकल की बात करती है तो किस समय में और बदलते परिदृश्य में जब कोरोना काल के बाद बहुत चीजें बदला है तो उसमें कैसा लग रहा है? क्योंकि आने वाला जो समय है वो हिंदुस्तान के खास करके हिंदुस्तान का जो हस्तशिल्प है उसके लिए कितना अवसर है? बिल्कुल, मैं चाहूँगा जहाँ तक मैं समझता हूँ हैंडक्राफ्ट का जो है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा जैसे कोई रॉकेट आसमान में जा रहा है। इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है हैंडक्राफ्ट का, पेपर ही नहीं और टेक्निक। और जो अभी जैसे अमेरिका में रिसेशन शुरू हुआ है हमारे यहाँ उसका भी इफेक्ट नहीं होता। इंडिया अभी भी बहुत अच्छा है, चल रहा है यहाँ पे बीच का भी आगे भी बहुत अच्छा है। इसमें ईपीसीएचई का भूमिका है, इंडिया को आप जिस रॉकेट की तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाने की बात कर रहे हैं उसमें ईपीसीएचई की क्या भूमिका है? समय जो पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रिक्की बनता है, जब भी किसी एक्सपोर्टर्स को किसी चीज़ के लिए और पॉलिसी मेकिंग के तौर पर मदद चाहिए किसी समय हमें हमारे और ज़्यादा हमारे पूरा गवर्नमेंट है पॉलिसीज में काकी साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बेस्ट विशेष है आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ रंजन अभिषेक।